हेलो एवरीवन, नमस्ते बच्चों। केवी पब्लिक स्कूल क्लास 5 और आज हम आप लोगों को रीड कराने जा रहे हैं चैप्टर 1। देखिए जो चैप्टर 1 है ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है और ये दिमागी लड़ाई, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग चैप्टर को ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा और तभी आप लोगों को मजा आएगा और इसका इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आएगा वो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। एक दिन बगदाद के सुल्तान के दरबार में पड़ोसी सुल्तान का दूत आया। बगदाद के सुल्तान के दरबार में एक पड़ोसी सुल्तान का दूत आया। तो ये दूत बोलता है, यह तो पड़ोसी सुल्तान का दूत है। बगदाद का आदमी बोलता है, जो दरबार का जो आदमी होता है वो बोल रहा है, क्यों आया है यह? सब आपस में चर्चा कर रहे, ये दूत है, इसे सब दरबारी देखकर आपस में चर्चा कर रहा है। एक कह रहा है ये तो पड़ोसी सुल्तान का दूत है, क्यों आया है यह? दूसरा बोल रहा है यह क्यों आया है? सब आपस में सोच में पड़ गए। इसी पर मैं क्या जानू, उसने मुझे कुछ बताया तो नहीं, ये बोलता है, मैं क्या जानू उसने मुझे कुछ थोड़ी ना बताया। फिर यहाँ पर इतने में दूत ने अपनी जेब से खड़िया का एक टुकड़ा निकाला। खड़िया जो चौक होता है ना, पहले जमाने में एक ठेले की टाइप का चौक होता था जिसे खड़िया भी बोला जाता, तो वही खड़िया का एक टुकड़ा निकाला। चुपचाप सुल्तान के तख्त के चारों ओर एक कोल लकीर खींच दी। वो आया और चुपचाप अपने चौक अपने पॉकेट से चौक निकाला जिसे खड़िया कहते हैं और उसे सुल्तान के सिंहासन के चारों ओर कोल रेखा खींचती, लकीर खींचती और चलता बना और ना कुछ बोला ना कुछ और चुपचाप ऐसा काम किया और चलता बना। और चैप्टर का भी नाम है दिमागी लड़ाई। तो फिर उसने ऐसा क्यों किया भला? सब सोच में दरबारी सोच में पड़ गए। पता नहीं सुल्तान पर कोई तोना टोटका किया हो या फिर सल्तनत पर। सुल्तान बोल रहा है, मतलब ये आदमी बोल रहा है, दरबारी जो है ये दरबारी बोल रहा है, पता नहीं क्या किया है, टोना टोटका सुल्तान पर किया है या सल्तनत पर। अगर उसके सुल्तान ने जादू वादू करवाया है तब तो हम गए काम से। तीसरा आदमी बोल रहा है, तीसरा दरबारी बोल रहा है, सुल्तान ने अकलमंद दरबारियों से सलाह मशविरा किया, मतलब सबसे राय विचार विमर्श किया। उन्होंने उस खेरे का बारीकी से निरीक्षण किया, इस ओर से लकीर कुछ टेढ़ी दिखती है। एक कह रहा है कि इस ओर से कुछ लकीर टेढ़ी दिखती है, असल मुद्दा यह नहीं है, इस खेरे का मतलब क्या है यह समझाओ। तभी सुल्तान बोलता है, ये यह खेरा क्यों किया ये मतलब समझाओ। दरबारी काफी देर तक आपस में विचार विमर्श करते रहे। अंत में बादशाह सलामत बहुत मकच पच्ची करने के बाद भी हम इस खेरे का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। ओफो, मैं बर्बाद हो गया, एक कुत्ता किन बेवकूफों से पाला पड़ा है, सुल्तान बोल रहा है। अचानक एक दरबारी को ख्याल आया, बादशाह सलामत होजा को क्यों नहीं बुलवा लेते, इस पहेली को सुलझाना उनके ही बस का काम है। वाह क्या सुझाया है, होजा तो मेरी सल्तनत का सबसे सियाना आदमी है, ताजुब है मुझे अभी तक उसका ख्याल ही नहीं आया। होजा को बुलवाओ, हाँ हाँ जल्दी से बुलवाओ, दरबारी भी बोलता है। जोरों से होजा की पुकार मची, तेज दौड़ने वाले हड़कारे उसकी खोज में दौड़ गए। आह आह होजा, उफ उफ, तुम्हें फौरन सुल्तान के दरबार में हाजिर होना है। क्यों भाई, होजा बोलता है, क्यों भाई क्या हो गया आखिर? होजा को हड़कारे ने पूरा मामला बताया, हड़कारा मतलब जो खबर देता है उसे हड़कारा कहते हैं, और इस पहेली को सूचने वाले को सुल्तान इनाम भी देंगे। इनाम मैं चलता हूँ पर कुछ सामान साथ में लेने पड़ेंगे। होजा ने बच्चों के खेलने के कुछ छोटे छोटे खिलौने और एक पालतू जूजा साथ में लिए और चल पड़ा महल की ओर।
आओ होचा आओ, मैं तो बड़ा परेशान हूँ, ठहरो ठहरो। फिर वो होचा जो है लकीर को देखकर कहता है, या अल्लाह वह दूध फिर आथम का, उसे मेरे पास आने दीजिए। फिर यहाँ देखिए ये दूध जो होचा है ये कुछ कर रहा है, और फिर यहाँ देखिए वो कुछ सोचता है, चावल वाह अब तो इसका इस्तेमाल इसका हमेशा के लिए फैसला करना होगा। फिर वो चावल का जो दाना है चावल उसमें वो चूचूजा साथ में लाया था उसे छोड़ देता है। यहाँ देखिए अब है आ, फिर वो कुछ आ चोर से बोलते हुए भागता है बाहर की ओर। होचा उसकी तो तुमने छुट्टी कर दी भाई, मजा आ गया, हा 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 देखो कैसे कैसा भागा, हा 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 हम जीत गए, देखो कैसे तुम दबाकर भागा तरपो कुत्ते की तरह, हा हा करके सब हंसने लगे इसके ऊपर। होचा उसकी तो तुमने छुट्टी कर दी, पर आखिर यह माजरा क्या था, मेरी समझ के बाहर है। सुल्तान बोलते हैं, सीधी सी बात है। होचा बोलते हैं, वो आपको चता रहा था कि उसका सुल्तान आप पर चढ़ाई करेगा और राजधानी को चारों ओर से घेर लेगा, यह था आपके तख्त के चारों ओर लकीर खींचने का मतलब। ओ अब समझा, पर तुमने उसके पैर पर बच्चों का खिलौना क्यों फेंका। सुल्तान पूछता है होचा उसे, यह समझाने के लिए कि हम उनसे ज्यादा ताकतवर हैं। सीधे लफ्जों में मेरा मतलब था कि तुम हमारे सामने निरे बच्चे हो, मतलब छोटे से बच्चे हो, तुम्हारा भला इसी में है कि अपने घर में रहो और खिलौनों से खेलो। तो उस पर सुल्तान हाहा करके हंसने लगता है। इस पर हमें दिखाने के लिए उसके पास उसके सुल्तान के पास बेशुमार फौजी हैं। उसने जमीन पर चावल के ताने फेंक दिए। फिर जो दोबारा उसका जो आया था ना दोबारा तूत आया था तो उसने चावल के कुछ दाने फेंके और चूचा उसे खाने के लिए उसने चूचा को फेंका। तो इसी पर उसने कहा, उसने यह समझाने के लिए कि हमें बच्चा मत समझो, उसने कुछ चावल के दाने फेंके तो उसने उसे यह समझाने के लिए कि हम उनसे ज्यादा ताकतवर हैं। तो यह है ना, ओह अब समझा, पर तुमने उसके पैरों पर बच्चों का खिलौना क्यों फेंका। तो उसे यह समझाने के लिए कि हम उनसे ज्यादा ताकतवर हैं। सीधे लफ्जों में मेरा मतलब था कि तुम अपने सामने छोटे मेरे हमारे सामने छोटे से निरे बच्चे हो, मतलब छोटे से बच्चे हो, तुम्हारा भला इसी में है कि अपने घर में रहो और खिलौनों से खेलो। ये पता था सुल्तान को। इस पर सुल्तान हाहा करके हंसने लगता है। इस पर हमें दिखाने के लिए उसने चावल के कुछ दाने फेंके, इसके दिखाने के लिए उस हमें दिखाने के लिए उसके सुल्तान के पास बेशुमार फौजी है। उसने जमीन पर चावल के ताने फेंके फौजी के रूप में, तो मैंने चावल चुकने के लिए चूचे छोड़ दिए, जिसका मतलब था अगर तुमने सचमुच हमारे साथ लड़ाई छेड़ी तो तुम्हारा एक भी सिपाही जिंदा नहीं बचेगा। जैसे ये एक एक करके सारे दाना को खा गए, उसी तरह ये इसने बताया उस तूत को कि मैं भी तुम्हारे सारे सिपाहियों को हम लोग मार देंगे। ही ही। इस पर सुल्तान ही ही करके हंसता है, और सचमुच तुमने तो कमाल कर दिया, और उसे इनाम में सोने का हार देता है। फिर आगे है, पर वह कुछ समझ तो सका ना। इस पर सुल्तान बोलता है, जरूर समझा होगा, आपने उसे भागते हुए नहीं देखा। इस पर होचा बोलता है कि आपने उसे भागते हुए नहीं देखा, हाँ हाँ वह तो देखा था। होचा मैं तुम्हें अपना वजीर बनाना चाहता हूँ, नहीं बादशाह सलामत शुक्रिया। इस पर वो मना कर देता है कि नहीं शुक्रिया। तो बादशाह सलामत आश्चर्य से आंखें उसकी फटी की फटी रह जाती है कि इतना बड़ा ऑफर हम दिए और इस पर ये मना कर रहा है, ऐसा क्यों। असल में मैं बड़ा मशगूल रहता हूँ, ये बोलते हैं मशगूल मतलब काफी बिजी रहता हूँ, और यह कहते हुए होचा चल दिया कि आपके काम के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, और घर आकर मशगूल हो गया आराम करने में हमेशा की तरह। हो गया। अब है इसे लिखने वाले हैं, अनुवाद है शशि
राठी नसीरुद्दीन होजा की कहानी पर आधारित ये स्टोरी था। तो इसे लिखने वाले हैं, इसे हम मतलब इसे लिखने वाले शशि राठी जी लिखे हैं। और इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है, होजा ने चलते समय अपने साथ थे क्या क्या सामान लिया, तो होजा ने क्या क्या लिया था, तो वो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको उसका आंसर मिलेगा कि होजा ने अपने साथ चलते हुए चूजा लिया, कुछ बच्चों के खिलौने लिए, ये सब ये आंसर इसका आंसर यहाँ पर है, इसे आप लिख देंगे। इसके बाद दूसरा है, पातशाह होजा को क्या बनाना चाहते थे और क्यों, तो पातशाह होजा को यहाँ पे इसका आंसर है, पातशाह होजा को अपना वजीर बनाना चाहते थे क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान था और उनका इतना कठिन सवालों का जवाब जो कोई भी तरवारी ना दे सका वो इसने दे दिया, इसलिए वो उसे अपना वजीर बनाना चाहते थे। तो सेकंड का भी आंसर मिल गया आपको। फिर तीसरा है, होजा ने पातशाह के प्रस्ताव को क्यों ठुकरा दिया, तो पातशाह के ये जो इसने इनके सामने प्रस्ताव रखा था उसे होजा ने क्यों अस्वीकार कर दिया, क्यों ठुकरा दिया, तो क्योंकि उसने कहा असल में मैं बड़ा मशगूल रहता हूँ। तो तीसरे का आंसर यह है कि होजा ने जवाब दिया कि असल में मैं बड़ा मशगूल रहता हूँ, ये हो गया तीसरे का आंसर। फिर चौथा है, चित्र कथा के अनुसार नीचे दिए गए कामों का क्या मतलब है। पहला, तख्त के चारों ओर घेरा लगाना, ये इसका आप देखें कि मतलब आपके राज्य पर आक्रमण करना। पहले का हो गया, चावल के दाने फेंकना, मतलब मेरे सिपाही आपको मतलब हम लोग आक्रमण कर देंगे, हम लोग लड़ाई छेड़ देंगे, ये हो गया। दूसरे का, चूचे का द्वारा चावल के दाने चुकने का मतलब होता है कि हम अगर तुमने लड़ाई छेड़ी तो हम लोग तुम्हारे एक एक सिपाहियों को मार डालेंगे। तो तीनों का मतलब आपको बता दिए, इसमें आप अच्छे से ध्यान से अगर आप रीड किए हैं और ध्यान से स्टोरी सुने तो आपको इस तीनों का आंसर आराम से आपको खुद भी मिल गया होगा। फिर पांचवा है, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए, जैसे पड़ोसी सुल्तान के दूत ने अपनी जेब में से क्या निकालकर सुल्तान के तख्त के चारों ओर को लकीर खींचती। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो आपको पता होगा कि तीनों में से कौन सा सही है, पेन सही है, पेन सही है कि खड़िया सही है कि कलम सही है, तो खड़िया, खड़िया निकाल के उसने लकीर खींचती थी चारों ओर, तो सही ऑप्शन खड़िया है। फिर एक खेड़े की पहेली सुलझाने के लिए किसे बुलाया गया, हरकारा को या तूत को या होजा को। अगर आप ध्यान दिए हैं, स्टोरी सही से सुने हैं, पढ़े हैं, तो आपको पता होगा ना हरकारा है ना तूत है, सही आंसर होजा है, उसने होजा को बुलाया था। फिर बातचीत, अगर आप बातचीत के लिए कुछ क्वेश्चन आपको दिया गया जो आप लोग खुद से बातचीत के आधार पर आप लोग इसका आंसर निकालें, कोई ऐसी घटना बताइए जब आपने अपनी चतुराई से किसी समस्या का हल किया हो। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है, अगर आप कोई समस्या का समाधान जो कोई भी ना निकाल पा रहा हो अगर आपने निकाला हो तो वो आप पे उस पर चर्चा कीजिए, उसे आप अपने दोस्तों को, अपने घर के बड़े सदस्यों को, मम्मी पापा को भी बता सकते हैं और कमेंट्स में हमें भी लिखकर बता सकते हैं कि आखिर आपने अपनी बुद्धि से, अपनी चतुराई से कौन सी घटना का सही समाधान किया। दूसरा है, होजा की तरह अपनी चतुराई या बुद्धिमानी के लिए और कौन कौन से व्यक्ति प्रसिद्ध हैं बताइए, जो होजा की ही तरह है, जो अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध हैं, तो वो आप बता सकते हैं, जैसे कि बीरबल हो गया और इस तरीके से बहुत हो गए, बीरबल, तेनालीराम, ये सब होजा की ही तरह अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध हैं। और भी अगर आपको और नाम मालूम हो इसके अलावा भी, तो आप कमेंट्स में हमें बताइए, अपने दोस्तों को, टीचर्स को बताइए। तीसरा है, इनमें से किसी एक प्रसिद्ध व्यक्ति की चतुराई का कोई किस्सा सुनाई, जो मतलब है अपनी बुद्धि और चतुराई के लिए प्रसिद्ध है उनका कोई स्टोरी अगर आपको पता है तो वो क्लास में बताइए, टीचर्स को बताइए, पेरेंट्स को बताइए, अपने बड़े भाई बहन को, दोस्तों को बताइए, और ऐसा ही कोई स्टोरी शॉर्ट में आप कमेंट्स में हमें भी बताइए जो अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध है। फिर है, अनुमान और कल्पना, अगर होजा नहीं होता तो क्या होता। अनुमान लगाइए कि अगर सुल्तान के पास होजा नहीं होता तो फिर सुल्तान इतनी बड़ी समस्या से कैसे निपटता, तब क्या होता, ये सोचकर आप बता सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। दूसरा है, तूत ने वापस जाकर राजा को क्या बताया होगा, तूत ने वापस जाकर क्या बताया होगा, ये अपनी कल्पना के अनुसार सोचिए और इस अनुसार से आप टीचर्स को बताइए।
और कमेंट्स में भी आप बता सकते हैं। फिर आपके अनुभव और आपके अनुभव वो आपकी बात। होचा आराम करने में मशगूल या व्यस्त रहता था। आप दिन भर किन किन कामों में मशगूल रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, किन्हीं पांच कामों को नीचे दी गई तालिका में लिखिए। आप दिन भर स्कूल के वर्क को करने के बाद, ट्यूशन के वर्क को करने के बाद, पढ़ाई के करने के बाद, आप कौन से मतलब कौन सा काम में आप तीन आपका 24 घंटा, जो एक दिन का 24 घंटा होता है, आप 24 घंटा कैसे निपटाते, कौन सा विशेष काम है, कोई पांच काम है जो जिस काम को करने में आपको दूसरा कोई काम करने में समय ना मिलता हो, वो पांच कामों के नाम लिखिए। इसमें स्कूल का होमवर्क भी हो सकता है, ट्यूशन होमवर्क भी होता है, हो सकता है खेलकूद भी हो सकता है, आपका ड्राइंग भी हो सकता है, या कोई एक्टिविटी जो भी आप है वो भी हो सकता है। तो जो भी आप जिस काम में को दिन भर आप करने में आपका समय कटता हो, वो कोई पांच काम के नाम यहाँ पे लिखिए। फिर है अपने ऊपर जो काम लिखे हैं उनमें से आपको किस काम में मशगूल रहना बेहद पसंद है और क्यों। ये पांच काम में जो आप दिन भर करते हैं इसमें आप बिजी रहते हैं, आपको समय तो और नहीं मिल पाता कुछ और काम करने का, तो इस पांचों काम में से कौन सा ऐसा काम है जो करना आपको बहुत पसंद है और उसमें बिजी रहना, मशगूल रहना आपको बहुत अच्छा लगता है, तो उस काम को बारे में बताइए और हमें भी कमेंट्स में हो सके तो लिखकर बताइए, हमें भी अच्छा लगेगा। फिर ये चीज काम में आपको मशगूल रहना पसंद नहीं है, क्या आप उनसे बचने के लिए कोई कोशिश करते हैं, बहाना बनाते हैं, और कैसे। तो इन सब काम में से कौन सा ऐसा काम है जो आपको करना तो जरूरी है, हर रोज करना जरूरी है, पर जिसे आप चाहते हैं कि हमें ना आपको ना करना पड़े, आप उसमें मशगूल और बिजी ना रहें, तो और क्यों ऐसा चाहते हैं, तो कोई एक काम आप बताइए जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर भाषा की बात, पाठ में आए 10 संज्ञा शब्द ढूंढकर शब्दकोश के क्रमानुसार लिखिए। तो 10 को लाइन दिया है, आप इस स्टोरी में से 10 संज्ञा शब्द खोजिए और यहाँ पर लिखिए। फिर है दूसरा आया, बताया, गए आदि काम वाले शब्द जिन्हें हम क्रिया कहते हैं, नीचे दिए गए रिक्त स्थान में उचित क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। तो अध्यापिका ने हमें मन लगाकर पढ़ाई करो, तो इसमें से क्रिया शब्द के शब्द क्या है, समझाओ या समझाया या समझाओ क्या है, दोनों में से कौन सा क्रिया शब्द है वो आप यहाँ पर छांट कर लिखिए। समझाया सही वर्ड है, तो यहाँ पर सही होगा समझाया, मन लगाकर पढ़ाई करो यह समझाया। फिर है राकेश 50 से सामान लेने गए या गया, कौन सा वर्ड होगा वो आप अपने से ढूंढ के यहाँ पर लिखिए। फिर नेहा ने अपनी माँ को सब सच सच बताया या बताई, जो सही होगा वो आप लिखिए। राहुल दौड़ प्रतियोगिता में बहुत तेज भागी, राहुल भागी या भागा, कौन सा सही होगा वो आप यहाँ लिखिए। रेखा ने सारे सवालों का सही जवाब दिया या किया, दोनों में से कौन सा सही होगा वो आप लिखिए। मैंने एक सपना बनाया या देखा, क्या सही होगा, कौन सा क्रिया शब्द वो आप यहाँ लिखिए। फिर चातू वातू की तरह युगम शब्दों पर घेरा लगाइए, जैसे चातू वातू, जैसे घर घर चातू वातू की तरह नहीं, नदी वदी है तो इस पर घेरा लगाइए, चाय वाय इस पर घेरा लगाइए, युगम शब्द है, खास फूस इस पर घेरा लगाइए, ये युगम शब्द है, चाय नाश्ता ये युगम शब्द है, पापड़ वापड़ ये युगम शब्द है, तो इस पर आप घेरा लगाइए। चाय नाश्ता नहीं होगा, घर घर नहीं होगा, पांचों शब्द युगम शब्द है, इस पर घेरा लगाइए। फिर होचा एक व्यक्ति का नाम है, यदि इसके अक्षरों को अलग करेंगे तो बनेगा होजा, जैसे अब तैयार हो जा। नीचे दिए गए काले शब्दों के अक्षरों को अलग करके शब्द बनाइए, जैसे कालका, कालका को अलग कीजिए तो कौन सा वर्ग बनता है तो वो आप लिखिए। का लका क्या होगा, उस टाइप से आप बनाइए, काल काल फिर अलग कीजिए का, काल का, ये दो वर्ड, काल का दो वर्ड बनेगा, आना आ ना दो वर्ड बनेगा, पादसा बाद सा बात सा दोनों अलग अलग वर्ड बनेगा, ऐसे करके आप बनाइए। फिर पाठ में इनका क्या मतलब है लिखिए, चलतापन मतलब
वो चलता बना मतलब चला गया, क्या मतलब है आप वो पार्ट में क्या मतलब है चलता बना, तो मतलब चलता बना, उसने लकीर खींची और चलता बना मतलब चुपचाप चला गया, ये हो गया। माछरा क्या है मतलब इस चक्कर क्या है, मामला क्या है, जताना चाहता था मतलब बताना चाहता था, ये इस टाइप से चलता बना का क्या मतलब होगा वो आप लिखिए, माजरा क्या है वो लिखिए, जताना चाहता है इसका क्या होगा वो मतलब लिखिए। फिर जीवन मूल से समृद्ध होजा सल्तनत का सबसे सयाना आदमी है, उसने अपनी समझदारी और बुद्धिमानी से सल्तनत पर आई मुश्किल परिस्थिति को बदल दिया। हमें भी कठिन परिस्थितियों में समझदारी और बुद्धिमानी से काम लेना सही चाहिए। और क्यों, तो ये सब जीवन मूल से संबंधित है, क्योंकि हर क्षेत्र में हम लोगों को हर उम्र में हर समय हम लोगों को अपनी समझदारी और बुद्धिमानी से ही काम लेना चाहिए। क्यों, तो ये इसका डिस्कशन आप अपने घर में अपने पेरेंट्स से अपने टीचर से बड़े भाई बहनों से कर सकते हैं। फिर कुछ करने के लिए आपके लिए है, चावल एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इसकी खिचड़ी पुलाव खीर आदि बनाकर खाई जाती है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता कीजिए, जैसे चावल चौ, यहाँ दो एग्जाम्पल दिया है। उसके बाद और कौन सा अनाज का नाम आपको पता है वो लिखिए, जैसे मकई बाजरा तिल तिलहन, ये सब तिसी ज्वार, ये सब आप लिख सकते हैं, ये सब अनाज के नाम हैं। फिर है नीचे दिए गए चित्रों को देखकर आपके दिमाग में उनसे जुड़े हुए जो जो शब्द आते हैं उन्हें दिए गए स्थान पर लिखिए। ये खिलौना है, खिलौना से जुड़े हुए आपको खिलौना नाम लेते ही आपके दिमाग में कितने तरीके के खिलौने आते हैं उन सब के नाम लिखिए। जूझा देखकर आपके दिमाग में कौन कौन से शब्द आते हैं वो लिखिए। सुल्तान के नाम सुनते ही आपके दिमाग में कितने क्या कौन सा नाम आता है सुल्तान का तो वो आप लिखिए। तो ये स्टोरी हो गई आपकी कंप्लीट, और आशा है आपको स्टोरी बहुत पसंद आया होगा। अगला चैप्टर है लॉ प्रूफ, इसकी अगली वीडियो बाद में बनाएंगे, जिसे आप देख लीजिएगा। और पूरी वीडियो को पूरा अच्छी तरह से वॉच करने के लिए समझने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू बच्चों, नमस्ते।